क्यों करिए, क्या मुद्दे से? ये बताने के लिए किए कि हमारा जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें हमारे समाज के नेता आ रहे हैं, वो बच्चों को पुरस्कार वितरण करेंगे। और हम ये भी बताना चाहते हैं कि हमारे अस्पताल समाज की दशा दिशा पर भी हम विचार करेंगे। हम भविष्य में, हमारे साथ कुछ लोग हैं जो फूट डालने का काम करते हैं, हमें आपस में लड़ाना भी चाहते हैं, लड़ा के हमको पीछे करना चाहते हैं। अब हमारा उद्देश्य है कि हम सब यूनाइटेड होके आपस के बैर भाव को मिटा के हम कोई ऐसी काम करें जो हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए लाभदायक हो। इसके लिए सम्मेलन आयोजित किया गया है। और प्यार मोहब्बत आपसी जातियों में, जो अच्छी जातियाँ इनमें गाँव से लेकर शहर तक, इनमें गली मोहल्लों में, इनमें आपस में यूनाइटेड हो और प्यार मोहब्बत पैदा हो और राजनीति कोई नई दिशा निकले। क्यों कि इनकी जाति गणना के हिसाब से ही ये आधी आबादी के बराबर हैं और 32% में सरकार बनती है, ये 40-45% फुटबॉल बने घूम रहे हैं। अब ये भी सोचना है हमें कि हमें अब इस देश पे हम रहने वाले, इस देश के मूल निवासी, हमें यहाँ का अब अधिकार में नहीं अधिकार करना चाहते। अच्छा, पिछड़ा समाज के और जातियों से भी लोग आएंगे क्या? सभी जातियों से आएंगे, सभी से आएंगे। हर जो आपके इस बात का कार्यक्रम कब होगा? कार्यक्रम 27 कहाँ होगा? ये संजय कमटी हाल 11 बजे। मुख्य अतिथि कौन? मुख्य अतिथि संतोष बताएंगे, हमारे अध्यक्ष जी ने निमंत्रण दिया मुझे, मैं तो कुछ प्रदेश संतोष को देखा। अध्यक्ष जी आप कौन? आप जी हाँ ठीक है, मैं भी निकल रहा हूँ, डॉक्टर पहुँच गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कौन होंगे और यहाँ से, इसमें बरेली से ही लोग हैं कुछ बाहर से भी? बरेली से माननीय केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार जी हैं हमारे मुख्य अतिथि हैं। विशिष्ट अतिथि माननीय धर्मेंद्र सांसद जी हैं आंवला लोकसभा से, और गाजियाबाद से हमारे पूर्व राज्यसभा सांसद नंद कश्यप कुमार कश्यप जी हैं, और यहां से विधायक डीसी वर्मा जी, विधायक भवनलाल वर्मा जी, भवनलाल मौर्य जी, विधायक आपके केसर सिंह जी, छत्रपाल गंगवार जी बहड़ी से, ये सारे हमारे माननीय अतिथि होंगे। और हमारा जो संगठन के प्रदेश अध्यक्ष श्रीकांत गुप्त भी आ रहे हैं इस कमेटी के, और हमारे एडीएम अमरलाल साहू जी वो भी हमारे कमेटी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। इस कमेटी के अंदर सारे अतिथिगण आ रहे हैं हमारे कार्यक्रम में, और संसार से 15 PC इसमें किसी को सम्मानित भी किया जाएगा? बच्चों को सम्मानित किया जाएगा और जो हमारे वरिष्ठ समाजसेवी हैं उनको भी सम्मानित किया जाएगा, और जो हमारे व्यवसायी लोग हैं वरिष्ठ उनको भी सम्मान देने का काम करेगी हमारी संस्था। और अति पिछले के जो